उसके बाद आया था इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है. व्हेन वी कम टू नो अबाउट अवर बॉडी ऑब्वियसली वी कम टू नो अबाउट वेरी मच थिंग्स, हाउ टू टेक प्रिकॉशंस, हाउ टू सिलेक्ट द इवेंट, व्हाट टू डू इन दैट, नॉलेज ऑफ इंजरी. ठीक है, मेरी बॉडी जो है अगर मेरी हाइट बहुत ज्यादा है तो मेरे लिए स्प्रिंट करना मुश्किल है. रीजन मीन आई एम अवे फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स मेरी टांगे लंबी हैं, मेरा सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना अवे होगा उतनी इम्बैलेंसिंग मेरी ज्यादा होगी. स्कोप जो है इंजरीज के वो गेम्स में मेरे ज्यादा होंगे. मुझे कौन सी इवेंट लेनी चाहिए विच इज बेटर फॉर मी ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट एड का, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग का, अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज होना, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये बताया था. उसके बाद आता है हमारा स्केलेटन सिस्टम. दैट व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम. ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटन सिस्टम. नेक्स्ट टाइम अवार्ड अलाउ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी मिले थे, 5 मिनट तुम बाहर से और अंदर से आए. स्केलेटन सिस्टम में हमारा क्या है, बोनी स्ट्रक्चर जो है वो हमें फ्रेमवर्क देता है. ठीक है, इट सपोर्ट्स, इट हेल्प्स द मूवमेंट्स, मूवमेंट्स में हमारे हेल्प करता है इजिली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टोर रूम. स्टोर रूम भी इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम वगैरह जो भी चीजें हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, और उसके बाद व्हेन एवर वी नीड दैट इन एमरजेंसी इट प्रोवाइड अस, ये हमें प्रोवाइड करता है. और उसके बाद जनरेट ऑफ आरबीसी, क्योंकि बोन मैरो जो होती है उसमें ज्यादा जो होता है फ्लूड जो होता है वो हमारी हेल्पफुल होता है जनरेशन करने में, आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं. आज हम करेंगे, फिर मैंने आपको करवाया था टाइप्स ऑफ बोन्स. ठीक है, कि टाइप्स ऑफ बोन कौन सी हैं, लॉन्ग बोन है, ठीक है ना, शॉर्ट है, फ्लैट है, इरेगुलर है, सिस्मॉइड है, ये उस दिन हमने किया था. ठीक है, ये लेसन को टाइम लगाएंगे क्योंकि ये तुम्हें क्लियर हो जाए एनाटॉमी का. अब लॉन्ग बोन में जो है वो सिलेंड्रिकल, ऑब्वियसली हमारी फीमर है, ह्यूमर है, यहाँ पर रेडियस के साथ ही उल्ना है, ये सारी हैं, लेकिन सबसे जो लंबी है वो फीमर है हमें, जिसे हम थाई बोन कहते हैं. उसके बाद शॉर्ट बोन्स हैं. ठीक है, वो हमारी शॉर्ट बोन्स वगैरह जो है वो हम करते हैं. फ्लैट बोन है, स्कल की है, रिब्स की है, स्टर्नम वाली साइड पे है, पेल्विक की है, यहाँ से शोल्डर्स की, अगर यहाँ से हाथ लगाए हमें चौड़ाई देती है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये हमारी आती है फ्लैट बोन में. इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन का मतलब है उसका साइज नहीं डिफाइंड है कि छोटी है, जहां पर उसकी हाँ पटेला जो है जिसे नी की भी कहते हैं, नी कैप ये कहते हैं, ये क्या है वहां के एरिए के हिसाब से उसकी फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से है. ठीक है ना, नॉट एग्जैक्ट कि ये मोड़ने में या उसमें करने में आसानी रहती है. सिस्मॉइड यानी कि छोटी छोटी बोन्स जो कहीं पर भी पीसेस जो है जहाँ पर खाली जगह वो भगवान ने हमारी फिलअप की हुई है. ठीक है, उन्हें कहते हैं हम सिस्मॉइड. इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतना क्लियर हो गया. वो तो टाइप्स में आ गया, वो फ्लेक्सिबल होना दैट इज समथिंग डिफरेंट, ये इसमें नहीं है. ये तो टाइप्स हैं कि किस किस तरीके की होती है बोन्स. ठीक है ना बेटा, अब आता है जॉइंट. व्हाट इज जॉइंट, जॉइंट किस चीज को कहते हैं बेटा, आर्टिकुलेशन या कंबाइनिंग और लिंक ऑफ टू जॉइंट, टू बोन्स, टू और मोर भी हो सकती हैं. ठीक है, जहां पर ऐसा संगम होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें हम नॉर्मली कहते हैं जॉइंट्स. ठीक है, जुड़ी हुई, यहाँ से हमारी बोन्स जुड़ी है, यहाँ से जुड़ी है, यहाँ की टार्सल्स, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, सब ये हमारी जुड़ी हुई है, तभी हमारी मूवमेंट्स जो है अलग अलग तरीके की हैं. ठीक है बेटा, कुछ ऐसी हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, पूरी टोटल देती हैं, कुछ हैं वो एक तरफ की देती हैं, कुछ हैं उनकी टोटली जो डाइवर्शन है वो पाइवट में आ जाती है, या कुछ है. अब वो क्या होती है. ठीक है, जॉइंट्स का मतलब है लिंक होना, जॉइंट होना, आर्टिकुलेशन करनी, कुछ भी चीज. अब है हमारे पास तीन तरीके के टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आते हैं. जॉइंट्स कितने प्रकार के हैं बेटा, तीन प्रकार के जॉइंट्स. ठीक है, एक फ्रीली मूवमेंट है, जो हम फ्रीली यानी कि बड़े आराम से हम
चलते हैं, ठीक है। इसे कहीं पर भी हम मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज वन इज स्लाइड और एक रिजिड होती है। स्लाइटली सी स्लाइड सी होती हैं, एक फ्रीली होती है, एक नॉर्मल होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी बोन्स हैं या कौन कौन से जॉइंट्स हैं जहां पर ये होता है, ठीक है। इस चीज का हमने अब ये है, तीन प्रकार के हमने कर लिए, फ्रीली मूवमेंट है, स्लाइट मूवेबल है और टोटली मूवेबल हमारी यह मूवमेंट कर सकती है इस तरीके की। ये स्लाइट है, एक मूवेबल है और एक फ्रीली है। फ्री वाली को सोवेनियल भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम सोवेनियल भी है, SYONIVL, ठीक। ये मूवमेंट्स जॉइंट के होते हैं, ये यहाँ पर है। अब हमने इनमें देखना है कि कौन कौन से हमारी बॉडी में बोन्स कौन कौन से, जॉइंट्स ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें सबसे फेमस है जो आप सबने सुना है, ठीक है। वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बारे में आपने मोस्टली सुना होगा, बॉल एंड सॉकेट। इसकी फॉर्मेशन भी आपको पता होगी कि ये इस प्रकार से होता है और इसमें फिक्स होती हैं, ठीक है, ताकि ये स्ट्रेच भी ज्यादा। घुटने यहाँ की है, ये जो है पेल्विक गर्डर के साथ है, यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हमारे शोल्डर में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, ये पता चल गया। तू सो, रेस्ट कर, जो तेरे को बोल रही है आंखें बंद है तेरी कि नहीं सुन रही है। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पता चल गए। अब आते हैं ग्लाइडिंग। इन्हें हम प्लेन भी बोलते हैं, प्लेन जॉइंट्स भी हैं इनका नाम, प्लैनर जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी होगा उसका मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट्स। यहाँ के जो है, यहाँ के जॉइंट्स जो है शोल्डर के पास के, इसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके पास जो है ऊपर अगर हम हाथ भी लगाएं तो फ्लैट बोन है, जैसे स्कल की फ्लैट बोन होती है ना, यहाँ की भी पिक्टोरियल साइड की जो बोन होती है वो फ्लैट बोन होती है, ठीक है। इतना याद रह गया बेटा। अब है पाइवट। पाइवट किसको बोलते हैं, जो बास्केटबॉल बच्चे खेलते हैं उन्हें पता होता है कि हम उसमें क्या होता है, एक फुट स्टेप लेते हैं और एक की मूवमेंट होती है, मतलब स्टिल पर ऑलराउंड का मूवमेंट जो है वो हम नॉर्मली लगाते हैं। कैन यू एग्जांपल दे सकते हो कि कौन सा होगा ऐसे? इन्हें हुनशुरली चढ़नी होने वाली बैठी थी, पक्की गल है, श्रेया कुछ बोलेगी। मैं ऊंची नहीं बोल रही। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक तुक्का था कि यहाँ तक समझ आया है? कोई बात नहीं बेटे, ओ फिर वेले हो तुसी, ओ मेरा काम नहीं है फिर, है ना। मैं उसमें क्या बता सकती हूँ, तुम्हें क्या बता सकती हूँ? तो ही तो हलक शुरू ही करना है। अच्छा, उसमें स्लो, ये जो है बेटा टार्सल्स, पता है मेटाटार्सल क्या होते हैं? टार्सल्स और मेटाटार्सल्स सुने कभी? मतलब वही है ना, मैंने थोड़ा स्लो तभी मैं बोल रही हूँ। स्केलेटन सिस्टम में ये वाली चीजें जो बेटे ना, इन्हें हम कहते हैं टार्सल। हैंड की टार्सल है और सेम वे से पैरों की है, उसे हम मेटाटार्सल कहते हैं। ये डिफरेंस है, पहले तो ये याद रखो। उसके आगे जो ये छोटी छोटी है ना, जो कट्स में है, इन्हें हम फ्लैंजेस कहते हैं। PHALANGES, फा मत एफ मत डाल देना, ये पी है। एक तो इंग्लिश कुर्बान है ना, उसके बाद हम ऐसे, इसलिए फ्लैंजेस इसको बोलते हैं। थोड़ी सी ये चीजें पहले बता देती हूँ, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें ना बेटा, तो ये भी हमारे जो जॉइंट्स है ना, ये वाले जॉइंट्स, इसे भी हम ज्यादा नहीं खींचते, क्योंकि इसके लिगामेंट्स इमिडिएटली अगर टूट जाए या कुछ हो जाए तो हड्डी थोड़ी सी इधर से उधर हो जाती है और उसे फिक्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स। इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है ना,
उसको कईयों को शौक होता है, चल खड़ा है उसकी मैं बाजू खींचू, और मना किया जाता है। हाँ, what is a main reason behind it? जो अर्लियर लोग थे उन्हें इसकी नॉलेज नहीं थी कि इसकी जो बनावट है हमारी बॉडी की वो कैसी है इसके बारे में। तो ऑब्वियसली बेटा धीरे धीरे डेवलपमेंट या रेवोल्यूशन या इसमें वो हुआ है, लेकिन जब पहले थे लोग कहते थे खींचना नहीं या पेन होती थी, वो समझ में नहीं आती थी कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो है ज्यादा ऊंचाई से खींचने से बॉल एंड सॉकेट के जो लिगामेंट्स हैं वो भी टूट जाते हैं जब पेन होते, और कई बार बाजू जो है पंजाबी कहने भी है बाहर निकल गई। वॉट इज दैट? इट मीन्स एंड इट इज वेरी पेनफुल थिंग, बहुत ज्यादा पेनफुल है कि इसकी रिकवरी तब तक नहीं होगी जब तक वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं होगी, क्योंकि इमीडिएट जो है लिगामेंट्स तो टूट गए, एक तो वो हो गया, ऊपर से वो अपनी जगह पर नहीं आ रही। तो भगवान की बनाई हुई हर चीज हमारी जो सेटिंग है ना वो बड़ी प्रॉपरली की है और उसे वैसे ही रहने देने चाहिए, पंगे नहीं लेने चाहिए उसके साथ। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम क्या करते हैं। अब सैडल, सैडल जॉइंट क्या है? सैडल एक्चुअली बोलते हैं बेटे हम घोड़े की सवारी जो होती है ना, सैडल डालते हैं ना उसके ऊपर गद्दी डालते हैं, इन द सेम वे हमारी यहाँ पर जो है ना ये जॉइंट जो है इसे कभी ध्यान देखना है, ये इसी तरीके से फिक्स हुआ हुआ है अंदर बॉडी के, बाहर नहीं दिखना कवर हुआ हुआ है, ठीक है ना। तुसी चुप रहो, हले पे बात चो, थोड़ा सीटी भी हो जाएगा, ठीक है, एक्सरे भी हो जाएगा। ये को इसको हम बोलते हैं सैडल, इतनी बात, सैडल SADDLE, सैडल जॉइंट यहाँ पर है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर्स पे और हिप के पास के हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स हमारे बोलते हैं हम नी में बोलते हैं नॉर्मली इसे। अब आता है हिंज जॉइंट, HINGE, सुना होगा इसका नाम से, इवन पंजाबियों में डोर को भी हिंज डोर कहते हैं, आपको पता है? हाँ, केड़ा हिंज जॉइंट, ठीक है ना, जो डोर क्लोजर होते हैं ना, डोर क्लोजर जो होते हैं ना उसको बोलते हैं। रीजन बीइंग कि इसका, हाँ इंटेलिजेंट, इसका रीजन क्या है कि ये एक तरफ की इसकी मूवमेंट है, ये बैक को नहीं जा सकता, जैसे हमारी लेग्स जो है या आर्म जो है ये सॉकेट के कारण हम इसे रोटेट कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन जो हिंज में है वो एल्बो का है, क्योंकि हम इसको यहाँ फोल्ड और यहाँ तक ला सकते हैं, नी से ऊपर नहीं हमारा जाएगा। इन द सेम वे एल्बो का है बेटा, ये यहाँ तक फोल्ड होता है और उसके बाद स्ट्रेट होता है। इसे क्या, कौन से जॉइंट के एग्जाम्पल में आते हैं? ये हिंज जॉइंट, ठीक है। अब इतने ये तीन जो जॉइंट्स हैं इनके तुम्हें पाइवट बाद में समझाती हूँ, क्योंकि उसकी फिर तुम सबको ही घुमा दोगे उसके साथ ही, है ऐसे हो ना, पता चल गया, ठीक है। और ग्लाइडिंग का पता चल गया, हिंज जॉइंट पता चल गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पता चल गया है, तीनों याद हो गए, दिमाग में आ गए। नमन तेरे आ गए बच्चे दिमाग से कि नहीं आए? हो गया। अब ना बास्केटबॉल में हम, चलो स्पोर्ट्स से ही लेते हैं, इजी है, स्पोर्ट्स में एक वर्ड आता है पाइवट, उसमें क्या होता है जो प्लेयर है उसके दोनों पैर नहीं होते, एक पैर जो है वो स्टिल रहता है और दूसरे की मूवमेंट पे वो थ्रो करता है, ठीक है उसकी। इन द सेम वे हमारी नेक की जो है ना यहाँ यहाँ पूरा नहीं करता है, यहाँ पर जो लगे हुए हैं मैं फोटोग्राफ दिखा देती हूँ बेटा, ये फोटो जो है ना बेटा हमारी गर्दन के छोटे छोटे पीसेस जो चिपके हुए हैं ना, दिस इज द फोटोग्राफ गर्दन के, ये पाइवट जॉइंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गई बात, तभी मैं फोटो, अब मैं इसी में फोटो दिखा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। ये देखो यहाँ के जो है शोल्डर्स के, उसे हम किसमें लाते हैं? ग्लाइडिंग में, ग्लाइडिंग में ये कंधे के और ये पेल्विक के जो है ना बेटा, ठीक है ना, ये आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। ये है सैडल, सैडल की फॉर्मेशन कैसी होती है, यहाँ पे है सैडल वाला नहीं है, चलो रहने दो, सैडल जो है नॉर्मली बेटा होना चाहिए, कहीं पे कहाँ घूम गया, यहाँ पर फिक्सेशन जो है वो हम अगर महसूस करें ना इसे थोड़ा सा, तो हमें पता चल जाता कि ये फिक्स कहाँ पर हुआ है, बिल्कुल इसकी शेप इस तरीके से होती है, इसको पूरी किस तरीके से कहा जाता, नो मर्मरिंग बेटा बाद में बोल लेना जो बोलना होगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, जैसे काठी होती है घोड़े के बैठने की, घोड़े पर बैठने की, उसी को हम
सैडल के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर? ये और कौन से जॉइंट होते हैं तुम्हारे? बॉल एंड सॉकेट, सैडल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, दीज आर द जॉइंट्स नॉर्मली वी हैव। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। फंक्शंस क्या है स्केलेटन सिस्टम का, या क्या वर्क करता है स्केलेटन सिस्टम? मैंने अभी बताया था, कोई बताएगा मुझे बेटा? जस्ट नाउ क्या करता है? फ्रेमवर्क, स्टोरेज करता है, मूवमेंट में हेल्पफुल है, आरबीसी के उसमें है, शेप देता है हमें, स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। अब आते हैं मसल्स, पढ़े होंगे मसल्स, बॉडी के मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ा होगा अच्छे से। ये तो बताऊं कि रहने दो फिर पता तो नहीं, ओके मेरा तो मैंने तो पता नहीं है। मसल्स क्या है, या मस्कुलर सिस्टम, या मसल कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं? अब कंफ्यूजन टाइप्स में और क्लासिफिकेशन में मत हुआ करो, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो हैं टाइप्स या क्लासिफिकेशन को एक ही चीज मानते हैं। जैसे अभी हुआ है, बोन्स कितने तरीके की हैं, तो वो हैं फ्रीली मूवेबल, स्लाइट मूवेबल, और क्लासिफिकेशन है उसका मतलब है कितनी प्रकार की हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, जिसमें हम कहते हैं लंबी है, छोटी है, इरेगुलर है, सिस्मॉइड है, फ्लैट है, ये क्लासिफिकेशन है उसकी, ठीक है। उसके अंडर कई बोन्स आते हैं। अब जैसे लॉन्ग बोन है, उसमें हम सिर्फ एक को नहीं ना, ये भी है, यहाँ पर भी है, तो लॉन्ग है ये, पर सबसे लंबी हम लेते हैं, ये चीजें थे। अब मसल्स में तुमने पढ़ा होगा वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। वॉलेंट्री मसल्स को जा बेटे एक बार घूम गया जा, कोई मतलब एम्बेरस मत हुआ करो, जा घुमा एक मिनट, अब ठीक है, चलो नाम लिया हो गया है, कुछ नहीं बस तैनते ना, वो जिदा हाथी दे संगल पा के रखना होंगे ना, तू तो हर पीरियड च ऐ तुरदा जाना, मुड़ के पता ही नहीं होंगे आना है कि नहीं, है ना, होली जी निकली जाएगा ऐदा 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 फिर गायब। एनी हाउ मसल्स जो हैं वॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री हैं एंड कार्डियक हैं। अब वॉलेंट्री मसल्स कौन से हैं बेटे? ओ कहने कार बच्चे जड़े अपने माँ प्यो के कहने चुनते हैं, वो वॉलेंट्री चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, सारे ही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनवॉलेंट्री वो है जो स्कूल में टीचर्स के कहने में नहीं है, हूँ ठीक है, माँ प्यो के कहने कार सारे होंगे टीचर के, हाँ उनका क्या है, चाहे कुछ बोलो ना बोलो, उन्होंने जो काम करने हैं वो करते रहने। ऐसे ही हमारी बॉडी में है कुछ मसल्स, उनकी वर्किंग जो है उन्हें हम ऑर्डर नहीं दे सकते, दे आर इन अ सच अ सेटअप कि वो काम कंटिन्यू अपने आप दिन रात करते रहते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री वो हैं जिन्हें कहना पड़ता है उठ जाओ कर लो, ठीक है, जैसे बच्चों को वैसे ही है उस चीज को करना, वो किसमें आता है वॉलेंट्री। अब आते हैं कार्डियक, That is, cardiac word is related to heart. तो heart की जो muscles हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Cardiac muscles. ठीक है बेटा, तीन प्रकार की हो गई, voluntary, involuntary, cardiac. अब इनके दूसरे नाम भी हैं जो normally बच्चे confuse हो जाते हैं। Skeleton muscles कौन से होंगे? कोई बताएगा? Very good. Voluntary muscles क्या हैं? वाह वाह पूरे नंबर दे दो, ठीक है। कार्डियक मसल वो तो कल होना ही है पुत्र, मैं भेज चुकी हूँ मैसेज पहले ही, कल ही भेज देता सी, नहीं तो कहते है ना। अच्छा, इनवॉलेंट्री हो गए हैं जो स्मूथ मसल्स हैं, आप पे तुरी जाना बेटे मैथ्स का भूल नहीं, गो एंड सी द व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है, मैंने नहीं रिपीट क्या वॉट बस ठीक है, नहीं है, इट्स हर ड्यूटी नॉट माइन एंड इट इज नॉट माई हैड। अब आते हैं मसल्स में, अब ध्यान से सुनो बेटा कि मसल्स क्या है, की इम्पोर्टेंस क्या है, या उसके फंक्शन क्या है, जो मसल्स है हमारी बॉडी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या उसकी क्या फंक्शंस है,
वो बता दिया मैंने कि वॉलेंट्री जो है वो हमारे कहने पे काम करते हैं, इनवॉलेंट्री जो अपने आप चलते हैं, और जो हार्ट के मसल्स हैं वो हेल्पफुल इन, ऑब्वियसली हार्ट है तो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सब पे वो कमांड करते ही हों, तभी होगा ना हमारा काम चले। अब आता है कि ये मसल्स के फंक्शंस क्या है। क्या बात हो गई वंश, बाहर ही रहना था कि अंदर आ गए। अब ये स्मूथ मूविंग में हेल्पफुल होते हैं हमारी, ठीक है, हमारी मूवमेंट्स में हेल्पफुल होते हैं मसल्स भी। सॉफ्टनेस तभी आते हैं ना हमारी वर्किंग में, मूविंग में ये सॉफ्टनेस दिखाते हैं। आम अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा कि आजकल जो लोगों में लाइफस्टाइल है उसके कारण कहते हैं बैक में प्रॉब्लम है, कई बार बोलते हैं उसकी ना पैडिंग हिल गई है इसलिए उसकी, इसका मतलब कि इन्होंने सपोर्ट दी हुई है बोन्स को, बोन्स के बीच में सॉफ्टनेस या फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं जिससे हम मूवमेंट्स जो हैं वो बड़ी स्मूथ वे से कर लेते हैं, नहीं तो इट विल बी पेनफुल फॉर अस। ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई। पहला इसका क्या है, इसका है मूवमेंट करने में ये हेल्पफुल होते हैं स्मूथ मूवमेंट में। अब और क्या मसल्स करती हैं, कार्डियक मसल्स क्या करेगी, वो भी तो मसल्स में आती हैं, वो क्या करेंगी बताओ कोई। ओके ठीक है, हाँ हमारी स्मूथनेस वर्क जो है इवन हार्ट की उसको हेल्पफुल होता है। अब है ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हमने स्केलेटन वहां पे देखा उससे टांगा है तभी बेचारा सीधा खड़ा है, नहीं तो वो सारा गिर। अब इसके ऊपर जो मसल्स हैं, जिस तरीके से मसल्स लिगामेंट्स हमारी बॉडी में चिपके हुए हैं उसने इसे सीधा रखने में, इसे पोस्चर पूरा करेक्ट पोस्चर बनाने में हेल्पफुल है। ठीक है ना, ये फ्रेमवर्क है स्केलेटन, और उसके ऊपर बनावट जो करनी उसे सजाना जो है वो किसका काम है, वो मसल्स करते हैं। ठीक है ना, हम कहते हैं वाह व्हाट अ मस्कुलिन बॉडी, दिस इज हैविंग अ वेरी गुड। तो ये क्या है, द फॉर्मेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ मसल्स जो होती हैं वो हमें एक गुड पोस्चर देने में हेल्पफुल। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। जैकलिन सॉरी, जाग रही जाग रही। तीसरा तुमने अभी खुद ही बोला बच्चे कि कार्डियक मसल है तो रेस्पिरेशन में हमें ये हेल्पफुल होती है। अब मूवमेंट्स के साथ हीट जनरेशन में भी, हीट जनरेट करने में भी ये हेल्पफुल होती है। ठीक है ना, कि हीट किस तरीके से जनरेट हो, क्योंकि बॉडी को हीट मिलनी बहुत जरूरी है वर्किंग के लिए, इसलिए उसके लिए हमें क्या होता है, मसल्स उसके लिए भी हेल्पफुल होती हैं।